हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल लर्न अबाउट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पार्ट थर्ड। यू विल बी गेट रेडी टू आंसर। चूज एंड टेक द करेक्ट वर्ड इन मॉडर्न और एंशियंट टाइम। पीपल डिड नॉट हैव व्हीकल्स। मॉडर्न मीन्स आधुनिक और एंशियंट मीन्स प्राचीन। फर्स्ट में आप लोग एंशियंट पर ट्रिक करेंगे। इन मॉडर्न और एंशियंट टाइम्स पीपल डिड नॉट हैव व्हीकल्स। आप लोग एंशियंट पर ट्रिक लगाइएगा। इन एंशियंट टाइम्स पीपल डिड नॉट हैव व्हीकल्स। प्राचीन जमाने में लोगों के पास साधन नहीं थे, गाड़ियाँ नहीं थी। सेकेंड है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी डिवाइडेड इंटू फोर और थ्री ग्रुप्स। यातायात के साधनों को तीन भागों में बांटा जा सकता है, फोर और थ्री। आप लोग थ्री पर टिक लगाइएगा। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री ग्रुप्स। जल थल नभ। जलीय साधन, जमीनी साधन, हवाई साधन। आप लोग थ्री पर टिक लगाइएगा। थर्ड है वी यूज ए बस और स्कूटर टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज। लंबी दूरी के लिए हम लोग बस का यूज करते हैं। आप लोग बस पर टिक लगाइएगा। फोर्थ है ए शिप पावर बोट कैन कैरी फ्यू पीपल। बोट, बोट मीन्स नाव और शिप मीन्स जहाज। आप लोग बोट पर टिक लगाइएगा। ए बोट कैन कैरी फ्यू पीपल। एक नाव बस कुछ लोगों को लेके जा सकती है। फिफ्थ है जेट प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स और पॉपुलर एवं एयरफोर्स। एयरफोर्स में क्या फेमस है? जेट प्लेन्स। जेट प्लेन्स और पॉपुलर एवं एयरफोर्स। आप लोग एयरफोर्स पर टिक लगाइएगा। उसके बाद है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर स्टेटमेंट। हाँ, स्टेटमेंट के लिए आप लोग ट्रू और फॉल्स लिखना है। फर्स्ट है वी कैन गो ऑन फुट एवरीवेयर। आप हर जगह पैदल जा सकते हैं। कैसा ही है? नो। फर्स्ट आप लोग फॉल्स लिखिएगा यहाँ पे। सेकंड है ए बस कैन नॉट फ्लाई इन एयर। एक बस हवा में नहीं उड़ सकती। सही है। सेकंड ट्रू है। थर्ड है ट्रेन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। ट्रेन जमीनी साधन में सबसे तेज चलने वाला साधन है। ट्रू है। थर्ड में आप लोग ट्रू लिखिएगा। फोर्थ है द व्हीकल्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट मूव ऑन लैंड। जलीय साधन जमीन पे चलते हैं। फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हवाई साधन सबसे यातायात का साधन सबसे तेज चलने वाले यातायात के साधनों में हवाई साधन है। एंड नाउ राइट एल फॉर लैंड डब्ल्यू फॉर वाटर एंड ए फॉर एयर ट्रांसपोर्ट। देखिए जो जल में चलेगा वाटर में रहेगा उसे डब्ल्यू लिखना है। जो लैंड पे चलेगा एल एंड जो बाई एयर है एयर में रहता है हवाई साधन के लिए ए लिखेंगे। ये देखिए बोट है ना, ये कहाँ चलती है? वाटर में। यहाँ पे डब्ल्यू लिखेंगे। हेलीकॉप्टर में आप लोग ए लिखेंगे। बस में आप लोग एल लिखेंगे। और शिप में भी आप लोग डब्ल्यू लिखेंगे और यहाँ भी आप लोग ए लिखेंगे। अमेजिंग यू कैन डिजाइन ए मशीन टू विंग्स फोर व्हील्स थिक टायर्स। ट्राई टू राइट एंड डिस्क्राइब इट्स फनी। आप लोग कल्पना कीजिए, ऐसी मशीन बनाइए, डिजाइन करिए, कल्पना कीजिए जिसके दो पंख हों जैसे हवाई जहाज के होते हैं। फोर व्हील तो चार पहिए होते हैं जैसे कार के होते हैं। थिक टायर्स और उसके टायर मोटे हों। आप इसे खींचने की कोशिश करिए, आप इसको बनाइए, ड्रा करिए एंड उसके बारे में आप लोग कुछ बताइए, बहुत मज़ा आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन
You want to go to meet your relative living in a different country. आप अपने रिश्तेदारों से मिलने जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं जो विभिन्न देशों में रह रहे हैं, कई देशों में रह रहे हैं. यू हैव नॉट मच टाइम, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है. विच ट्रांसपोर्ट विल यू यूज टू गो देयर, आप वहाँ जाने के लिए किस साधन का इस्तेमाल करेंगे, यातायात के किस साधन के द्वारा आप जाएंगे. एरोप्लेन, किसके द्वारा जाएंगे आप लोग, एरोप्लेन हवाई जहाज से. सेकंड है देयर इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट रन्स ऑन आयरन ट्रैक्स, यातायात का साधन है जो लोहे का बना है. इट्स व्हील्स आर मेड ऑफ आयरन, इसके पहिए भी लोहे के बने हैं. राइट इट्स नेम, आप इसका नाम लिखिए, क्या है, ट्रेन. ट्रेन लुक एट द पिक्चर पिक आउट इन करेक्ट थिंग देन डिस्कस इन द क्लास. इसमें से आप लोग उस पिक्चर को चुनिए जो आपको गलत लग रहा है, फिर आप लोग क्लास में उसको उस पर डिस्कस करिए. आप लोग देखिए ट्रेन रोड पे चल रही है, ट्रेन रोड पे चलती है, नो रोड पे तो बस चलती है. ये देखिए ये एरोप्लेन है, पानी में चल रहा है, पानी में चलता है एरोप्लेन, नो ये भी गलत है. ये देखिए इस पे एस्ट्रोनॉट जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, ये लोग को शाक पानी, ये भी सही नहीं है, ये भी गलत है. आप लोग डिस्कस करिए. फाइंड आउट द इन्वेंटर्स ऑफ द एरोप्लेन एंड द स्टीम इंजन, कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट दैम एंड राइट ए फ्यू लाइंस. नीचे आप इस फिगर को आप लोग देखिए और फिर आप लोग इसका नाम इनके बारे में, जो एरोप्लेन और भाप के इंजन का आविष्कारक हैं, इनके बारे में आप लोग खुद से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और उनके बारे में आप लोग कुछ लाइनें लिखिए. इसके बारे में हम लोग बाद में भी पढ़ सकते हैं. थैंक्स थैंक यू लॉट. नेक्स्ट वी विल लर्न टुमारो.